गाइस, आज आपको मैं बिल गेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। बिल गेट्स ने कॉलेज में परीक्षा के दौरान एक बार 16 में से 1590 स्कोर किया था, मतलब 1600 में से वो 1590 नंबर लेकर आए थे। बिल गेट्स कई बड़ी हस्तियों की तरह ये भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया और अपने दोस्त पॉल एलन के साथ खुद को भी पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्रति समर्पित कर दिया था। कॉलेज छोड़ने के 2 साल बाद बिल गेट्स को 1977 में मैक्सिको में गिरफ्तार किया गया था। वो बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे, साथ ही रेड लाइट को भी क्रॉस किया था। माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों के आने जाने पर नज़र रखने के लिए बिल गेट्स उनकी लाइसेंस प्लेट याद कर लेते थे। 1977 तक बिल गेट्स साधारण प्लेन में यात्रा करते थे, अब उनके पास अपना खुद का प्लेन है जिसे वो बेफजूल का खर्च बताते हैं। प्लेन के अलावा बिल गेट्स के पास लियोनार्डो द विंची के कई लेखों का संग्रह है जिसे उन्होंने 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदा था। भले ही बिल गेट्स के पास $81.1 बिलियन की नेटवर्थ हो, लेकिन उनके हर बच्चे को केवल $10 मिलियन ही मिलेंगे, क्योंकि गेट्स बच्चों के लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब गेट्स का ज़्यादातर वक्त अपनी फाउंडेशन के कामों में खर्च होता है। हालांकि उनका कहना है कि वो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक सलाहकार के तौर पे काम करेंगे। तो गाइस, बिल गेट्स के बारे में ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।